देखो क्वेश्चन नंबर 18, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। फर्स्ट, व्हाई इज द टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स। क्यों जो है टंगस्टन का यूज हम लिखा दे रहे हैं, लिख लेना कॉपी में। व्हाई इज द टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप्स। इलेक्ट्रिक लैंप्स के लिए ज़्यादातर टंगस्टन क्यों यूज होता है? तो सबसे पहला बात कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, तो जल्दी गर्म होने पे इलेक्ट्रिक लैंप्स तो गर्म होगा ना भाई, तो जल्दी गर्म होने पे पिघलेगा नहीं, तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई रहता है, ठीक है, और रेजिस्टिविटी भी बहुत हाई रहता है, तो आराम से ये हीट प्रोड्यूस ज़्यादा कर पाएगा। तो रेजिस्टिविटी हाई होता है और मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है इसलिए। दूसरा, वाई आर दी कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट्स सच एज ब्रेड टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ एन एलॉय रेदर देन अ प्योर मेटल। जो हम लोग का कंडक्टर्स होता है इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस जैसे ब्रेड टोस्टर या इलेक्ट्रिक आयरन, उसका जो मतलब कि सामान होता है वो एलॉय से क्यों बनता है, प्योर मेटल से क्यों नहीं बनता है? तो इसका भी रीज़न वही होगा कि एलॉयज हैव हाई रेजिस्टिविटी, एलॉयज हैव रेजिस्टिविटी हाई रेजिस्टिविटी, और जिसका रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगा वो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। एलॉयज हैव हाई रेजिस्टिविटी, हैंस दे प्रोड्यूस लार्ज हीट, हैंस दे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, हैंस दे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, इसीलिए। थर्ड, व्हाई इज दिस सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज्ड फॉर डोमेस्टिक सर्किट्स। देखो अगर मान लो कि हम दो रेजिस्टर लेते हैं, ठीक है, एक दो रेजिस्टर ले रहे हैं, 10 ओम और दूसरा भी 10 ओम। अगर हम दोनों को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा बाबू? बीस दोनों जुड़ जाएगा तो 20 ओम, और अगर तो दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे पांच तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? आधा, 10/2, 5। तो बताओ किसमें ज़्यादा करंट मिलेगा, पहला वाला में कि दूसरा वाला में? देखो रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि जो करंट को रोके, ऑब्स्टेकल, करंट के फ्लो में ऑब्स्टेकल जो होता है वो रेजिस्टेंस कहलाता है। तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है उसमें करंट कम होगा ना, और जिसका रेजिस्टेंस कम है उसमें करंट ज़्यादा होगा ना। तो हम मेरे लिए प्रेफरेबल सिचुएशन तो यही होगा कि हम जो है ज़्यादा से पहले ज़्यादा करंट को प्राप्त कर पाए, वाला तो इसके लिए हम जो है सीरीज कॉम्बिनेशन अपनाना चाहेंगे या पैरेलल कॉम्बिनेशन अपनाना चाहेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि अगर सीरीज में जोड़ देंगे तो हीट भी बहुत ज़्यादा होगा, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है, रुकावट ज़्यादा है करंट का फ्लो में, तो फिर उसके लिए हीट भी तो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, इसीलिए अच्छे से काम नहीं करेगा वो, ठीक है। एक चीज़ और इसमें फ़ायदा ये है कि देखो अगर हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं और ये वाला हो गया ख़राब, तो अगर ये ख़राब हो गया ना तो इसके आगे करंट जाएगा नहीं, ये भी नहीं जलेगा, दोनों एक साथ नहीं जलेगा, समझ गया? तो जैसे तुम घर में अगर सीरीज कॉम्बिनेशन कर दिया है, मान लो कि बल्ब को, पंखा को, टीवी, एसी, फ्रिज सबको सीरीज में लगा दिया, तो कोई उस लाइन में कोई भी एक खराब होगा ना तो आगे का सब बंद हो जाएगा, समझ रहा बात? तो हम लोग इसका आंसर क्या लिखेंगे कि इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन वी गेट हाई रेजिस्टेंस, है ना, ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलता हम लोगों, वी गेट हाई रेजिस्टेंस हैंस लो करेंट, हैंस लो करेंट एंड मोर अमाउंट ऑफ हीट, एंड मोर अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है, एंड मोर अमाउंट ऑफ हीट विच इज़ नॉट ए फेवरेबल कंडीशन, जो कि एक अच्छा सिचुएशन नहीं है, विच इज़ नॉट ए फेवरेबल कंडीशन, यही लिख देना है, ठीक है। और एक्स्ट्रा में जो सेकंड पॉइंट बताया कि एक खराब होने पे सब खराब हो जाएगा, वो भी लिख सकते हो एक्स्ट्रा में। डी नंबर, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर वैरी विथ इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब कि रेजिस्टेंस जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से किस प्रकार डिपेंड करता है, बहुत आसान है। देखो फॉर्मूला होता है आर इक्वल्स टू रो इंटू एल बाई ए, इसमें आर जो है ये है रेजिस्टेंस, ठीक है, और ये रेजिस्टिविटी है, ये रेजिस्टिविटी है, ये एल जो है लेंथ है और ए जो है एरिया है, ठीक है। तो तुम बताओ कि यहाँ पर आर और ए में क्या सा रिलेशन है?
उल्टा इनवर्स इनवर्स मतलब कि अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, ठीक है ये लिख देना है कि उल्टा रिलेशन है ना, अरे आर ऊपर है ए नीचे है ना, तो अगर आप ए को बढ़ाएंगे तो आर घटेगा, अगर आप ए को घटाएंगे तो आर बढ़ेगा, उल्टा रिलेशन ये लिख देना है कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसका आंसर हो जाएगा रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है ये लिख देना है, तो एरिया बढ़ेगा रेजिस्टेंस घटेगा। लास्ट क्वेश्चन, व्हाई कॉपर एंड एल्युमिनियम वायर्स आर यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन। कॉपर और एल्युमिनियम वायर्स का यूज ही क्यों करते हैं हम लोग, वायरिंग 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 वगैरह करते हैं ना घर में, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन करते हैं, तो कॉपर और एल्युमिनियम क्यों यूज करते हैं? उसका रेजिस्टेंस कम होता है, क्योंकि सबसे पहले तो ये गुड कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी को आराम से फ्लो होने देगा, साथ ही साथ इसका रेजिस्टिविटी बहुत कम होता है, तो ये ज्यादा हीट नहीं होगा और करंट का ज्यादा खपत नहीं होगा रेजिस्टिविटी कम होने से, ठीक है तो इसीलिए ये यूज किया जाता है। ओके समझ गए।